नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों आपको याद होगा जेडीयू को तोड़ दिया था बीजेपी ने। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में ये घटना हुई थी, राजनीतिक घटनाक्रम था ये, जिसमें बीजेपी ने जेडीयू के 7 में से 6 विधायक को तोड़ दिया था। उसके बाद काफी हंगामा हुआ था बिहार में, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है बीजेपी के साथ साथ। पर बीजेपी ने जो ये कांड किया उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी खूब गुस्से में थी। जी हाँ, ये तमाम बातें हम बता रहे हैं आपको। दरअसल याद दिला रहे हैं कि पिछले दिनों बीजेपी जेडीयू ने साथ साथ होते हुए भी बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायक तोड़ लिए थे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब कुछ ऐसा ही मामला एक सामने आ रहा है जिसमें आरजेडी ने कांग्रेस के साथ यही सलूक किया है। खैर, उतनी बड़ी बात नहीं है, पर बात तो जरूर है, क्योंकि महागठबंधन के अंदर के ये दोनों दल हैं, चाहे झारखंड हो या बिहार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, केंद्र की कांग्रेस हो, ये तमाम जगहों पर कांग्रेस के साथ खड़ी है आरजेडी। हम बात कर रहे हैं आरजेडी की, जो लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी है, और इस पार्टी ने यानी आरजेडी ने कांग्रेस के नेता को ही तोड़ दिया है। जी हाँ, ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन में ही टूट पड़ी है। जी हाँ, ये खबर बिहार से तो नहीं है पर झारखंड से निकलकर सामने आ रही है। झारखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता को आरजेडी ने तोड़ लिया है। दरअसल झारखंड में आरजेडी जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगातार लगी हुई है। लालू यादव पिछले दिनों झारखंड में ही थे, लगातार रांची में ही थे जब वो इलाज करवा रहे थे रिम्स में, और वो सजा याफ्ता भी हैं चारा घोटाला के मामले में, तो वो लगातार सजा काट रहे थे वहाँ पर, और वहाँ पर जो है आरजेडी को मजबूत करने की कवायद भी चल रही थी। तो इस कवायद में बड़ी सफलता हासिल की है आरजेडी ने, पर सवाल ये खड़े हो गए कि आखिर महागठबंधन के दल को ही आरजेडी ने तोड़ लिया। महागठबंधन दल के कद्दावर नेता को, यानी कांग्रेस के कद्दावर नेता को आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया है। झारखंड से ये बड़ी खबर है। झारखंड में भी सरकार है, कांग्रेस के साथ साथ है आरजेडी, और कांग्रेस और जेएमएम यानी वहां भी महागठबंधन है कांग्रेस के साथ, पर कांग्रेस के नेता को आरजेडी ने तोड़ लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अभय सिंह के साथ सामने, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे हरीश तिवारी, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए और उन्हें पार्टी में आने का उनका स्वागत किया है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभय सिंह, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो झारखंड की खबर ये बता रहे हैं। हालांकि महागठबंधन के अंदर की खबर है ये, और महागठबंधन में बिहार में भी दोनों दल साथ में है, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों दल साथ साथ हैं, और कांग्रेस के नेता को तोड़ लिया है महागठबंधन ने यानी तेजस्वी यादव की पार्टी ने। सवाल खड़े होंगे, क्योंकि हालांकि अभय सिंह बता रहे हैं कि ये पार्टी को मजबूत करने की दिशा में लालू यादव की तरफ से उठाया गया कदम है, उनका आदेश निर्देश पर हम लोगों ने ये काम किया है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जिंदाबाद के नारे भी लगे इस मौके पर, और लालू यादव जिंदाबाद, तमाम मतलब नेता जो शामिल हुए उन्होंने लालू यादव तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगाए। तो जो हरीश तिवारी के ज्वाइनिंग के बाद क्या कुछ कहा अभय सिंह ने, पहले सुन लीजिए आप। आज राष्ट्रीय जनता दल का मिलन समारोह था, और पुराने कांग्रेसी नेता हरीश तिवारी जी अपने सैकड़ों समर्थक के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत को मानते हुए हमारे नेता माननीय लालू यादव जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी, राजमाता श्री राबड़ी जी, तेज प्रताप जी, सब लोगों को नेतृत्व में मानते हुए, नीति और सिद्धांत को मानते हुए ये लोग राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए, और निश्चित तौर पे जब एक बड़े ज्वाइनिंग होती है तो पार्टी का दायरा बढ़ता है।
और हम लोग जब से पार्टी का कमान मिला है उसी दिन से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा को बढ़ाने में लगे हैं। हमारे मजबूत साथी युवा अध्यक्ष रंजन कुमार जी, हम लोग साथ मिलकर के और पार्टी को उस ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां हमारी पार्टी 1995 में जब 15-16 सीट जीती थी और हम लोग जिसके पहले हम लोग राजा के किशोर जी और सभी लोग मिलकर के झारखंड का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और हम लोग नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी से और हमारे नेता माननीय लालू यादव के निर्देशन पे 2024 में हम लोग 30 सीट लड़ने का फैसला किया। तो सुन लिया आपने कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि तेजस्वी के निर्देश पर और लालू यादव के कहने पर जो है हरीश तिवारी जो है उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। तो ये बड़ी खबर है कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया है। इस बीच जो आरजेडी उन्होंने ज्वाइन किया हरीश तिवारी, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए आप। उस स्थिति में आरजेडी को ही हम लोग अपना मानते हैं, सारे जनता भी आरजेडी को आगे बढ़ाने के लिए अब आगे आ रही है। लालू जी के जो नीति है और जो त्याग है उस त्याग को हम लोग भूल नहीं सकते। बिहार और झारखंड के अलावा केंद्र में हमारी सरकार हो और हम सरकार में हो, ये हम लोगों का प्रयास अब शुरू होने वाला है और शुरू हो जाएगा। क्या लगता है सर पार्टी को कार्यकर्ता तो सैकड़ों हैं लेकिन अभी पहुंचे हैं लगभग 70-75 ही आए हैं, ज्यादा नहीं आए। क्या लगता है पार्टी को कितनी मजबूत कर पाएंगे आप लोग? तो वक्त बताएगा। चुनाव में और ऐसे यहाँ के प्रशासन को भी गरीबों को तंग जो करती है सब पर बल मिलेगा, गरीबों को ताकत मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय अभय सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। तो सुना आपने, वो अपनी मर्जी से आए हैं और पार्टी को मजबूत करेंगे। यहाँ तक कि वो दावा कर रहे हैं कि बिहार से लेकर झारखंड से लेकर केंद्र तक में सरकार बनाने में वो आरजेडी की मदद करेंगे। यानी झारखंड में तो सरकार है ही, पर झारखंड में सरकार और उसके अलावा बिहार में तो नजर है ही सभी कि आरजेडी की सरकार बनेगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। बार बार दावा भी करती रही है कि नीतीश की सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। ये तमाम बातें दावे होते रहे हैं, तो उन्होंने दावा किया है कि अब मैं शामिल हुआ हूँ आरजेडी में, तो आरजेडी को मजबूत करूँगा। तो खैर इस वक्त की बता रहे थे घटनाक्रम की, जिस तरह से पिछले दिनों जेडीयू को तोड़ दिया था बीजेपी ने, कहीं उसी तरह आरजेडी ने कांग्रेस को तोड़ दिया है। झारखंड में बड़े एक दिग्गज नेता को अपनी पार्टी में यानी आरजेडी में शामिल करवा लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।